कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप, यही क्वेश्चन हमारी आज की मूवी पेनी पिंचर्स, जो 2011 की एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी है, ये उठाती है। इस मूवी में एक लड़की एक ब्रोक लड़के को पैसे कैसे कमाने हैं ये सिखाती है। आगे क्या होता है ये हम इस मूवी में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जीवुंग, इस सुबह होने के बाद भी ड्रंक होकर पड़ा हुआ था। हमें फिर हमारी और एक मेन कैरेक्टर दिखती है जिसका नाम है होंगसिल। होंगसिल उसकी नेबर है। जीवुंग की दारू की खाली बॉटल्स देखकर उसके टेरेस पर वो आ गए, उसे पूछती है क्या ये मैं ले सकती हूँ। जीवुंग पूछता है ये लेकर तुम करोगी क्या। कहती है इसे मैं सेल कर दूंगी। वो कहता है इतनी सी बॉटल से तुम क्या ही कमा लोगी। होंगसिल फिर उसे पूरी कैलकुलेशन कर दिखाती है, कहती है ये बॉटल सेल कर मुझे जितने पैसे मिलेंगे इसे तुम्हारी घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी एक साल तक चल सकती है। होंगसिल ये बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट लड़की है, पैसे कमाने के लिए इस तरह के बहुत सारी ट्रिक्स वो यूज करती है। जीवुंग का ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ और आजकल सिटी में जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो उसके ग्रेड थोड़े भी सही नहीं थे, पर फिर भी टॉप की कंपनीज में अप्लाई करता है, अलग अलग इंटरव्यूज देता है, पर उसके सब्जेक्ट उसे पसंद नहीं थे, तो उसमें कोई भी सही से स्किल नहीं है, कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं देने वाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी मदर के साथ फोन कॉल पर था। इसमें वो मदर से झूठ कहता है कंपनीज में अप्लाई करने के लिए उसे पैसे लगते हैं, इसके लिए वो $800 मांग रहा था। मदर इस बात से सरप्राइज थी, पूछती है कि इंटरव्यू के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जीवुंग कहता है ये कंपनी ऐसे भी बिजनेस करती है। उसकी मदर बहुत स्वीट है, कहती है बड़ी कंपनी में अप्लाई करने के लिए तुम्हें पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इस बार वो $800 की जगह $1000 भेजने वाली है। जीवुंग भी बेशर्मी से यह सब ले लेता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला गया। ये सारे फ्रेंड जॉबलेस है, संडे को मिलकर ये सब थोड़े से मजे करते हैं। इनके ग्रुप में एक नई लड़की ज्वाइन हुई थी जिसका नाम है यंगजू। यंगजू कहती है मेरा जॉब लग चुका है, नेक्स्ट संडे से वो नहीं आने वाली। इस बात से जीवुंग को जरा इन्फीरियर महसूस हुआ। वो यंगजू को लाइक करता है तो सब फ्रेंड्स में एक इम्प्रेशन जमाने के लिए वो कह देता है कि मेरा भी जॉब लगा है। ये बात सुनकर यंगजू उसमें इंटरेस्टेड थी, उसे पूछती है तुम कहाँ जॉब करते हो। जीवुंग ने इसके बारे में सोचा नहीं था, उसने सामने ही एसके टेलीकॉम का पोस्टर देखा तो बता दिया कि मैं वही काम करता हूँ। रात में घर आने पर उसके हाउस ओनर उससे रेंट मांगती है। वो कहता है मेरे डिपॉजिट में से काट लो, पर ऑलरेडी उसका डिपॉजिट खत्म हो चुका है। हाउस ओनर मान नहीं रही थी तो कहता है आप कितनी क्यूट हो, आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, ऐसे ही मस्का लगाकर इस बात को टाल देता है। जैसे कि हमें पता है होंगसिल जीवुंग के सामने ही रहती है, इनकी बातचीत इसने सुन ली थी। उसे फिर एक आइडिया आया, जो भी लोग होमलेस है उसे गवर्नमेंट पैसे देती है। अगले दिन उसने जीवुंग के हाउस ओनर से कॉन्टेक्ट किया, उससे जीवुंग का हाउस उसने रेंट पर ले लिया। अब इसी वजह से जीवुंग को घर खाली करना पड़ेगा। जो भी कंपनसेशन जीवुंग को मिलेगा ये उससे लेने की भी उसके पास ट्रीक है। अगले दिन जीवुंग के हाउस ओनर उसके पास आए, उसे कहा तुम्हें $5000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, अगर नहीं कर पाए तो घर खाली कर देना। उसने बैंक से लोन लेने का सोचा, पर ऑलरेडी उसके एजुकेशन के लिए बैंक ने उसे बहुत सारा लोन दिया हुआ था। टॉयलेट में एक जगह पर वो नंबर नोटिस करता है, किडनी खरीदने वाले लोगों का यह नंबर है। जीवुंग ने इसके बारे में सोचा पर ये वो कर नहीं सकता। थोड़ी देर में उसे यंगजू का कॉल आया, ये दोनों डेट पर आते हैं। डेट पर यंगजू उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। थोड़ी देर में जीवुंग को उसके सिस्टर का कॉल आता है, उसकी मदर के रेस्टोरेंट में एक बोर आ गया था, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, वो बहुत ही वरीड थी। जीवुंग को इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। सिस्टर से पूछता है आज मदर मुझे $100 भेजने वाली थी, उसका क्या हुआ। सिस्टर गुस्से में फोन काट देती है। यंगजू के साथ उसकी डेट सक्सेसफुल हुई, ये दोनों फिर उसके घर पर आ गए। ये ड्रंक थे तो मेकआउट करने लग जाते हैं। यंगजू से कहती है जाओ और प्रोटेक्शन लेकर आओ। जीवुंग बहुत ही एक्साइटेड था तो भागते भागते स्टोर पहुंचा। प्रोटेक्शन की कॉस्ट $2 थे, उसके पास सिर्फ $1.50 थे। अपना कार्ड उसने दिया पर उसमें भी बैलेंस नहीं था। वो फिर जल्दी से उठाकर भागने लग जाता है। आगे चलकर वो नोटिस करता है कि उसने प्रोटेक्शन नहीं तो मेन का बॉक्स उठा लिया था। आज का उसका चांस चला गया। वो फिर से यंगजू के पास नहीं जा पाया। इसके पैरेलल में होंगसिल भी एक बैंकर के साथ थे। इस बैंकर का नाम है ग्वान वू। होंगसिल पिछले कई सालों से अपने पैसे सेव कर रही है।
वांगू इसके इन्वेस्टमेंट को देखता है। इसी को ही डिस्कस कर रहे थे। वांगू कहता है तुम 1.5 लाख डॉलर से ज़्यादा अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, बाकी के पैसे उसे किसी और अकाउंट में डालने पड़ेंगे। होंगसिल की मदर की डेथ हो चुकी है, उसके फादर एक गैम्बलर है, तो किसी के ऊपर भी वो ट्रस्ट कर नहीं सकते। अपनी मीटिंग के लिए ये कॉफ़ी शॉप में थे, तो वहाँ से भी वो शुगर चुरा रही थी। एक एम्प्लॉय ने देख लिया तो कहती है मेरी कॉफ़ी में मुझे बहुत ज़्यादा शुगर लगती है। बेचारी को इतनी ज़्यादा शुगर वाली कॉफ़ी ज़बरदस्ती पीनी पड़ती है। अगले दिन जीवों को अपना घर खाली करना पड़ा, पर सामान घर के बाहर ही छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में होंगसिल को एक ट्री के नीचे बैठे हुए हम देख सकते हैं, वहाँ पर वो ग्रीव कर रही थी। इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। रात हो गई और जीवन घर के बाहर ही सोया हुआ था। होंगसिल उसे आवाज़ लगाकर ड्रिंक्स और डिनर के लिए पूछती है। जैसे कि हमें पता है होंगसिल को अपने पैसे रखने के लिए किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। जीवन को उसने इन्वाइट किया और पूछा क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो। जीवन इसमें बहुत इंटरेस्टेड होता है, उसे 2 मंथ्स में 5,000 डॉलर्स कमाने हैं। होंगसिल कहती है तुम आसानी से कमा सकते हो, बस जैसा मैं कहूँ वह सब तुम्हें करना पड़ेगा। होंगसिल ने जीवन को रात में सोने के लिए एक टेंट भी दे दिया। जीवन उससे पूछता है तुम मुझे इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। होंगसिल इस बात को इग्नोर कर देती है। सुबह होने पर ये दोनों काम पर लग जाते हैं। जीवन के पास जो भी सामान था ये होंगसिल ने उसे सेल करने के लिए कहा। वो उसकी बाइक भी सेल करने वाली थी, पर जीवन इसके लिए उसे मना कर देता है। कहता है ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है। होंगसिल उसे समझा रही थी उसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो इसके लिए नहीं मानता। वो कहता है मैंने इसे पर्सनल नाम भी दिया है। अपने स्कूटर को वो ऑडी बुलाता है। होंगसिल भी इस बात को जाने देती है। ये सब सेल करके जो भी पैसे आए इससे होंगसिल ने जीवन का अकाउंट बनाया। ये अकाउंट किसी और के नाम से था, पर होंगसिल हमेशा जीवन के नाम से सब पैसे निकाल सकती है। इसके बाद ये दोनों ड्राइव कर एक रेस्टोरेंट में आए। होंगसिल कहती है कि यहाँ एक मूवी की शूटिंग हुई थी, इसी का पोस्टर इस रेस्टोरेंट को सेल करने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा प्राइस बताती है तो ओनर इसके लिए नहीं मानती। इसके बाद ये दोनों अलग अलग अबैंडन जगह पर गए। वहाँ जो भी काम की चीज़ें थी ये सब उन्होंने उठा लिए। थोड़े टाइम बाद फिर से प्रीवियस रेस्टोरेंट में जाते हैं। इस बार जीवंग उस ओनर को सेल करने की कोशिश करता है, पर कम रेट में। ओनर ने बाय कर लिया और इनकी ट्रिक सक्सेसफुल हो गई। जो भी स्क्रैप आज इन्होंने उठाया था ये सब कुछ वो सेल कर देते हैं। जीवंग कहता है हम जो भी कर रहे हैं ये थोड़ा सा इलीगल है, क्या हम लीजिट तरीके से पैसे नहीं कमा सकते। होंगसिल कहती है सही या गलत कुछ भी नहीं होता, सब पर्सपेक्टिव है। रात में होंगसिल ने जीवंग को एज अ पॉकेट मनी $100 दे दिए। जीवंग भी इससे बहुत खुश था। वो जीवंग से पूछती है कि लड़कों को लड़की में पसंद क्या है, ज़्यादा बोलने वाली या कम बोलने वाली। जीवंग कहता है कम बोलने वाली अच्छी लगती है। होंगसिल अपने बैंकर को मिलने के लिए जा रही थी, उसे वो पसंद है तो बहुत ही कम बोलेगी। ये सब पैसे उसने डिपॉजिट कर दिए, तो बैंकर पूछता है जीवांग को एज ए रिवॉर्ड या कुछ पैसे उसके अकाउंट में तुम रखना चाहते हो। होंगसिल अब तक चुप थी, पर इस पर बात करने लग जाती है। वो कहती है मैं उसे सिखा रही हूँ कि पैसे कैसे कमाने हैं, यही उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। अगर मैंने उसे डायरेक्ट पैसे दे दिए तो ज़्यादा कुछ काम नहीं आएंगे। पैसों को लेकर वो बहुत ज़्यादा लालची है। रात में जीवांग होंगसिल के पास आकर उसे एक मस्कारा गिफ्ट देता है। वो कहता है ये लगाने से तुम प्रीटी लगोगी। होंगसिल को ये बहुत स्टूपिड लगा। रात में भी होंगसिल जीवंग को काम करने के लिए लेकर गई। जीवंग कहता है तो हमेशा यही करती रहती हो। जीवंग उसे पूछता है तुम्हारी डेट कैसी गई। होंगसिल कहती है कि वो डेट नहीं थी, मैं इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। जीवंग कहता है कि लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर रिलेशनशिप नहीं तुम हैप्पी कैसे रहोगी। होंगसिल ने कहा कि लोग रिलेशनशिप में भी खुश नहीं रहते, तो इन सब का पॉइंट क्या है। इसके बाद अलग अलग सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे पैसे छाप रहे हैं। ये वेडिंग्स में जाकर काम करते हैं, वहाँ से खाना लेकर आते हैं, पब्लिक बैडमिंटन कोर्ट में जाकर वहाँ का फ्यूज उड़ा देते हैं और फिर इन्हीं लोगों को ग्लोइंग शटल सेल करते हैं। इसी तरीके से सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन होंगसिल के फादर उसे मिलने के लिए आए। होंगसिल के फादर एक गैम्बलर है, तो उनसे कहती है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं। फादर ने कहा कि आज मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। इनकी बातचीत चल रही थी तो जीवांग आया। फादर को लगता है जीवांग और होंगसिल ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश थे। सारे पैसे वो जीवांग को दे देते हैं। जीवांग होंगसिल से पूछता है क्या ये पैसे मैं रख सकता हूँ। वो कहती कि तुम रख कर देखो। रात में होंगसिल के फादर फिर से जीवांग के पास आए। उनके पास आज जो भी पैसे थे
ये सब कुछ वो गैम्बलिंग में हार चुके हैं। जियोंग को दिए हुए पैसे फिर से वो लेकर जाते हैं। इसी गैम्बलिंग की आदत की वजह से होंगसिल के फादर ने सब कुछ गवा दिया है। होंगसिल इस तरीके से पैसों के पीछे पागल है, इसके पीछे यही रीजन है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं होंगसिल बैंकर के साथ डेट पर तो जाना चाहती थी और उसे ज्यादा कुछ पैसे खर्च नहीं करने थे। वो फिर उसे रिवर के पास वॉकिंग के लिए लेकर आई। बैंकर उसे कहता है हम दोनों कंसर्ट देखने के लिए जा सकते हैं। पैसे बचाने के लिए होंगसिल ने कहा बहुत सारे लोगों के पास मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसे ही बातें करते हुए चलते चलते उसे बहुत दूर लेकर आई। इस बेचारे बैंकर के बहुत लेग्स दुखने लग गए थे। इसके पैरेलल में हम देखते हैं जीवोंग यंगजू के साथ डेट पर आया हुआ था। रात में जब ये एक साथ थे तो यंगजू ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से शूज देखे, पर इनकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। उसे ये चाहिए थे पर जीवोंग कुछ भी नहीं बोलता, तो कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। जीवोंग फिर दिल पर पत्थर रखकर उसे बाय कर कर देता है। शूज के बाद यंगजू बहुत खुश हो गए। वो जीवोंग के साथ उसके घर आना चाहती थी। जीवोंग अपने फ्रेंड के फ्लैट पर उसे लेकर आया। बाद में उसके फ्रेंड ने रियलाइज किया कि आज उसकी मदर उसे विजिट करने के लिए आने वाली है। जीवोंग होंगसिल साथ थे तभी फ्रेंड की मदर आ गई। होंगसिल के सामने जीवोंग प्रिटेंड करता है कि वो उसकी ही मदर है। होंगसिल को पता ना चले इसलिए फ्रेंड की मदर को बहुत ही अजीब अजीब आंसर वो दे रहा था। मदर जाने लग जाती है तभी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वहां आ गई। फ्रेंड की मदर ने कहा ये गर्लफ्रेंड ही रीजन है जिस वजह से मेरे बेटे को जॉब नहीं मिलती। वो सौरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जीवोंग होंगसिल से कहता है कि मदर जिसके बारे में बात कर रही है वो मेरा एक कजन है, वो उसके लिए बहुत वरी करती है। आज रात भी इनके बीच कुछ भी हो नहीं पाया। जब जीवोंग घर पर आया तो होंगसिल उसे पैसों के बारे में पूछती है। जीवोंग कहता है मेरे फ्रेंड का ऑपरेशन था इसलिए मुझे उसे पैसे देने पड़े। इस बात से होंगसिल नाराज हो गए, उस पर बहुत चिल्लाती है। जीवोंग कहता है कि मैं मेरे पैसों से कुछ भी करूं इसे तुम्हें क्या लेना देना, और एक बात बताओ कि मेरा अकाउंट मेरे नाम पर क्यों नहीं है, क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो। इस बात से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगली सुबह फिर से एक कपल की तरह इनका गुस्सा शांत हो गया था, फिर से काम के लिए निकल जाते हैं। आज ये दोनों ब्लड डोनेट कर रहे थे। ब्लड डोनेट करते वक्त होंगसिल को नींद आ गई, वो बहुत ही पीसफुल लग रही थी तो जीवोंग उसे ही देखता रहता है। रात में जीवोंग होंगसिल से पूछता है जो भी तुम पैसे सेव कर रही हो इन पैसों से करोगी क्या। होंगसिल को लगता है कि वो इस पैसों से और भी पैसे कैसे कमाने हैं इसे फिगर आउट करेगी। जीवोंग कहता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। लाइफ में दो टाइप की चीजें होती है, जो हमें करनी पड़ती है क्योंकि वो सही है, और जो हम करना चाहते हैं। कभी ना कभी हम जो करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। तुम हर चीज तुम्हें करनी पड़ेगी इसी वजह से करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो अपने आप को इन सब चीजों में खो दोगी। एक दिन बैंकर ने होंगसिल को कॉल किया, वो उसे कंसर्ट पर इनवाइट करता है। बैंकर ने ऑलरेडी टिकट बाय करके रखे थे तो होंगसिल इसके लिए मान जाती है। वो उसके लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होकर फॉर्मल से ड्रेस में आई हुई थी। बैंकर जब वहां पहुंचा तो अपनी कैजुअल गर्लफ्रेंड के साथ था। होंगसिल को जब यह पता चला तो गुस्से में वहां से चली गई। वो सैड होकर ही घर पर आई तो जीवोंग ये नोटिस करता है। जीवोंग को हमेशा टीवी देखना अच्छा लगता है पर होंगसिल के पास कोई भी टीवी नहीं। वो होंगसिल को फिर एक टीवी के स्टोर में लेकर आया। इसके पास टीवी का रिमोट था तो बाहर बैठकर ही मूवी देखते हैं। होंगसिल जब छोटी थी तो अपनी मदर के साथ मूवीज देखा करती थी। मदर हमेशा मूवी देखते हुए इमोशनल हो जाती, होंगसिल भी उसी के साथ रोती थी। आज रात मूवी देखते हुए जीवोंग भी रोने लग जाता है। होंगसिल देखकर बहुत हंसती है। इनकी मूवी डेट बहुत ही परफेक्ट थी। एक दिन जब जीवोंग वेडिंग में काम कर रहा था तो उसे यंगजू ने देख लिया, उसने उसे झूठ कहा था तो इस पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। यंगजू जीवोंग के ही एक रिच फ्रेंड के साथ चली जाती है। इस पर जीवोंग बहुत हंसता है क्योंकि उसके फ्रेंड के साथ यंगजू सिर्फ पैसों के लिए है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था होंगसिल एक ट्री के नीचे बैठकर ग्रीव करती है। आज भी वो जीवोंग के साथ इसी ट्री के पास आई हुई है। होंगसिल कहती है जब मेरी मदर की डेथ हुई तो उसका क्रीमेशन करने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी कर उसने मैनेज किया। अपनी मदर की एशेज वो कहीं जाकर स्कैटर नहीं कर सकती थी। घर आते वक्त उसे एक ट्री दिखा जहां पर उसने मदर के एशेज स्कैटर कर दिए। उस दिन से वो यहाँ आकर अपनी मदर को याद करती है। इस पेड़ को उसने रिबिन भी बांधी हुई है। थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तो कुछ लोग ये पेड़ तोड़ने के लिए आए। होंगसिल उनसे पूछती है तो कहते हैं यहाँ पर एक गोल्ड कोस्ट बनने वाला है। होंगसिल पेड़ तोड़ने से इन्हें मना कर देती है। उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी जो भी सब सेविंग्स है इससे वो लैंड बाय करेगी।
इस डिसीजन के बारे में वो जियोंग से पूछती है। जियोंग कहता है लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कर लेना चाहिए। अगले दिन वो लैंड ओनर से मिले और थोड़ा सा एडवांस इस लैंड के लिए उसने दे दिया। उसका बैंकर उसे कहता है अगर तुम सारे पैसे एक वीक के बाद निकालोगे तुम्हें बहुत ही अच्छे से रिटर्न्स आएंगे। होंगसिल भी इसके लिए मान जाती है। लैंड बाय करने की खुशी में जियोंग और होंगसिल दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे। जियोंग उसे पूछता है उस रात तुमने मुझे हेल्प क्यों की। होंगसिल कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था। होंगसिल को कुछ भी सैड चीजों के बारे में बात नहीं करनी थी। वो जियोंग को कहती है मेरे लिए गाना गाओ। जियोंग भी बहुत ही अवसर सा उसके लिए गाना गाता है। इस पर वो बहुत हंसती है। अगले दिन जियोंग फिर से अपने प्रीवियस हाउस ओनर से मिला। इसे बात करने के बाद उसे पता चल जाता है होंगसिल ने जियोंग को घर से बाहर निकाला था। इसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो उसके पास आया, पूछता है तुम कर क्या रही हो, क्या मुझे स्कैम करना चाहती हो। होंगसिल का तो एक्चुअल में यही प्लान था, तो जियोंग अपने सारे पैसे उससे निकलवा लेता है। अब जियोंग होंगसिल को छोड़कर जा रहा था तभी होंगसिल को कुछ न्यूज मिली। वो भागते भागते बैंक गई। वहां पर उसे पता चला उसका बैंकर उसके सारे पैसे लेकर भाग चुका है। वो पुलिस से बात करती है। पुलिस कहते हैं बैंकर की गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी स्कैमर थी, वो दोनों मिलकर स्कैम कर भागे हैं। होंगसिल बहुत डिस्टर्ब हो गए। वो फिर से बैंक में आई। बैंक का मैनेजर कहता है हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तुम भी तो जियोंग के साथ मिलकर फर्जी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, क्या तुम्हारा उस बैंकर के साथ कुछ चक्कर था। जियोंग ये सब बाहर से सुन रहा था, उसे सही नहीं लगा। वो मैनेजर को आकर गुस्से में कहता है ऐसा कुछ भी मत बोलो। जियोंग अब भी होंगसिल को सपोर्ट करना चाहता है। होंगसिल सब कुछ हार कर चलते चलते घर जा रही थी। जियोंग उसके पीछे पीछे आता है। उसे कहती है प्लीज मेरा पीछा मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियोंग मानता नहीं तो होंगसिल ने ब्रिज से जंप मार दिए। जियोंग ने भी उसे बचाने के लिए जंप मारी। जियोंग को खुद को तैरना नहीं आता था तो होंगसिल को इसे बचाना पड़ा। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई। वो फिर लास्ट टाइम अपनी मदर की ट्री को देखने के लिए आई। जियोंग भी रिकवर हो चुका था। होंगसिल को कहीं ढूंढ नहीं पाता तो यही वो पहुंच जाता है। वो कहता है तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। होंगसिल कहती कि तुम्हारे साथ रहकर करती भी क्या, मुझे मेरे ट्रबल से कोई भी बचा नहीं सकता, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली गई। थोड़े दिनों बाद बैंकर पकड़ा गया। जियोंग को पुलिस ने बुलाया। होंगसिल जियोंग के पास पैसे नहीं रखने वाली थी पर फिर भी उसने कुछ पैसे रखे हुए थे। इसे जियोंग को अपने पैसे वापस मिल गए। अब जियोंग के पास ऑप्शन था, इन पैसों से अपने लिए कुछ कर सकता था। तभी डील छोड़कर वो भागने लग जाता है। वो जियोंग की मदर की ट्री के पास पहुंचा। उसने कॉन्ट्रैक्टर से कहा मुझे ट्री बाय करना है। कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं तुम्हें $10,000 लगेंगे। जियोंग के पास सिर्फ $5,000 थे। उसने रिक्वेस्ट की पर कॉन्ट्रैक्टर मान नहीं रहे थे। जियोंग कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसने कुछ कर मैं जल्दी से पैसे ला दूंगा। उसने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया। बहुत सारा ट्राई करने के बाद भी उसके पास बहुत कम पैसे थे। उसने फिर अपना स्कूटर ही सेल कर दिया। उसका टाइम खत्म होने से पहले ट्री वो बाय कर लेता है। अगली सुबह होंगसिल देखती है उसके घर के सामने जियोंग सोया हुआ था। उसे पूछती है तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारे पैसे कहाँ है। जियोंग कहता है मेरे पैसों से कुछ भी करो तुम्हें क्या। होंगसिल ने कहा तुम्हें पता नहीं हमने कितनी मेहनत ली थी। जियोंग फिर उसे ट्री दिखाता है। जियोंग ने वो ट्री लेकर रात में होंगसिल के घर के बाहर प्लांट कर दिया। ये देखकर होंगसिल रोने लग गई। जियोंग कहता है तुम्हें लास्ट टाइम पैसे सेव करने के लिए 5 साल लगे थे, अगर हम मिलकर काम करें तो वही पैसे 2 सालों में सेव कर सकते हैं। होंगसिल पूछती है तुम मुझे हेल्प क्यों करना चाहते हो। जियोंग कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। उसने अपने प्यार का कन्फेशन कर दिया। होंगसिल ने उसे पूछा तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। जियोंग कहता है मुझे सुंदर लड़की पसंद है, एग्जैक्टली तुम्हारी तरह। ये बात सुनकर होंगसिल उसे किस कर लेती है। इस छोटे से किस के बाद जियोंग तरीके से उसे किस करता है। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड होता है। क्रेडिट्स में हमें दिखाया जाता है जियोंग की जो भी सब प्यारी चीजें थी ट्री के लिए उसने सेल कर दी थी, यही चीजें होंगसिल जाकर उसके लिए बाय कर लाती है। ये दोनों एक साथ हैं तो बहुत खुश है। ये मूवी हमें बता कर जाती है पैसे सब कुछ नहीं होते, लाइफ में रिलेशनशिप और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सबको पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है पर आपके साथ कोई पार्टनर हो जिसके साथ आप लाइफ की जर्नी में चल सको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो लाइफ में आती ही रहेंगी।
इसी एक मैसेज के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखना।